नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में मैंने इस तरह का थाली पोस्ट बनाया है। ये देखिए, कली की तरह इसकी डिजाइन दिखती है। हमने तीन कलर का इसमें यूज किया है, तीन कलर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने तीन कलर का ऊन लिया है, सफ़ेद है, पीला कलर, एक मेहंदी कलर का। हम पहले सफेद कलर से बनाएंगे। पांच चैन ले लेंगे, एक हमने एक्स्ट्रा लिया है, छह चैन हमने लिया है यहाँ पर। इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे, तीन चैन। इस रिंग में हमने 16 डबल क्रोशे बनाए हैं, चैन को हमने इसमें जोड़ा है। 16 डबल क्रोशे बना लेंगे रिंग के अंदर। ये देखें, हमने 16 डबल क्रोशे यहाँ बना लिया है। इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने एक चैन में दो डबल क्रोशे बनाए हैं, ये देखें। एक चैन में दो डबल क्रोशे बनाएंगे, देख सकते हैं। लाइन इस तरह से बना ले, ये देखें। इस तरह से हमने दो लाइन बना लिया है। इसे इस तरह जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें तीसरे लाइन में एक में दो, एक में एक बनानी है। एक चैन में एक, एक चैन में दो, ये देखें। इस तरह से एक में हमने दो बनाया है, फिर एक चैन में एक, फिर एक चैन में दो। एक में एक, एक में और दो क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये लाइन आप बना, ये देखें, हमने इस तरह से तीन लाइन बना ली है। इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे, ये देखें। यहाँ पर हमें, आप चाहे तो यहाँ पर धागा, यहाँ पर हमने मेहंदी कलर का ऊन लिया है डिजाइन बनाने के लिए। तो ये देखें, इधर से हमने यहाँ से शुरुआत किया है। पांच चैन हमने यहाँ लिया है, पांच फेरा लेंगे यहाँ पर। इसे इस तरह से बांध दें, ये देखें, दो हमारे इधर यहाँ पर छूटे हैं। इसे दोबारा इस तरह से बांध देंगे। तो यहाँ पर दो चैन हमें लेनी है, उसी में हमें एक और बनानी है। एक ही में एक इंच लंबा हमने ये खींचा है, चार पांच फेरा। इसे इस तरह से निकालें, दो हमने छोड़ दिया है। इसे दो बार में हम इसे निकालेंगे। फिर यहाँ पर दो चैन लेंगे, चार क्रोशे हमें छोड़ने हैं। देखिए, एक दो तीन चार, चार हमें छोड़ने हैं।
उसी तरह से बनानी है हमने, पांच फेरा। ये देखिए हमने यहाँ पर दो बार में निकाला है, दो हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, दो चैन लेंगे। फिर उसी में एक और हमें बनानी है, दो चैन, चार क्रोशे छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, पांच फेरा, दो चैन। ये देखें इस तरह से आप पूरी लाइन बना ली। ये देखें इस तरह से हमने इसे बना लिया है, दो चैन हमने लेके ये देखो यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ पर धागे हमें निकाल देने हैं। यहाँ पर हमें पीला कलर का ऊन लगाना है। ये दोनों के बीच से हमें लेना है, देख सकते हैं आप, ये दोनों जो डिजाइन हमने बनाई है एक में दो, इसके बीच से हमें लेनी है। पांच चैन हमने यहाँ लिया है, यहाँ पर हम सात फेरा लेंगे, एक इंच ही करेंगे, यहाँ पर हम सात फेरा लेंगे ये लाइन में। सात फेरा हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर दो छोड़ेंगे, इस तरह से बांध दे। तीन चैन लेंगे, तीन चैन लेके हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशे किया है, फिर वापस हमें तीन चैन लेनी है। ये देखें दोनों के बीच में हमें एक और बनानी है, सात फेरा बांध दे। एक दो तीन चैन लिया हमने, ये देखें यहाँ पर लाके हम इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। यहाँ पर तीन चैन लेंगे, बीच में हमें इसी तरह से बनानी है। ये देखें इस तरह से डिजाइन आएगी, देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी लाइन आप बना लें। ये देखें इस तरह से हमने बना लिया है ये लाइन, तीन चैन लेके इसे हमने सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया है। दूसरे चैन में तीन चैन लेंगे और यहाँ पर हम जोड़ देंगे, इस तरह से स्लिप चैन ले लेंगे। यहाँ पर हम व्हाइट कलर का धागा वापस लगाएंगे उन व्हाइट कलर में। ये देखो इस तरह से आप काट भी सकते हैं पीले धागे को, नहीं तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हम तीन चैन जो हमने लिया है ये धागे हम यहीं पर छोड़ देंगे। तीन चैन लेंगे यहाँ पर, और जो हमने पीले कलर का तीन चैन लिया है इसमें हमने चार डबल क्रोशे बनाया है, तीन चार, दूसरे में भी
चार डबल क्रोशे, ये हम इसी तरह से छोड़ देंगे, केवल चैन में ही हमने लेना है क्रोशे। दो, तीन, चार, ये देखो सिंगल क्रोशे से जोड़ा है, उस तरफ भी हम चार लेंगे। देख सकते हैं ये देखिए इसकी डिजाइन, यहाँ पर हमने चार चार क्रोशे डबल क्रोशे लिया है व्हाइट कलर में। तो इस तरह से आप ये पूरी लाइन बना लें, ये देखें हमने इस तरह से ये लाइन बना ली है। दो लाइन हम व्हाइट का बनाएंगे, ये देखें हमारे जो चार आए हैं तीन चैन में, यहाँ पर स्लिप चैन कर लें एक, ये देखें दोनों के चारों के बीच में हमने इस तरह से स्लिप चैन लिया है। यहीं पर हमें दो क्रोशे बनानी है डबल क्रोशे, एक चैन लेना है दो डबल क्रोशे, ये देखो इस तरह से, यहाँ पर हमें चैन नहीं लेना है, चार के बीच में ही हमें चैन लिया है, हमने चार छोड़ेंगे, चार छोड़ के इस तरह से बीच में ही हमें बनानी है। एक चैन उसी में दो और बनाएंगे, ये देखें इस तरह से चार छोड़ेंगे, यहाँ पर दो बना के फिर एक चैन लेना है। तो इस तरह से ये लाइन आप बना लें, ये देखें हमने इस तरह से ये लाइन बना ली है यहाँ पर। फिर यही डिजाइन हमने दूसरी तरफ दूसरे लाइन में दो लाइन बनाने के बाद वाइट का फिर हमने रिपीट किया है। देखें ये डिजाइन हमने बीच में बनाया है, चार के बीच में देख सकते हैं, यहाँ से हमने शुरुआत करी है। फिर इसे डिजाइन बनाने के बाद हम ये वाली लाइन फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने अगर आपके सिकुड़न आते हैं तो आप यहाँ पर जो तीन पीले वाले चैन हमने लिया है यहाँ पर हमने तीन बनाया है, आपकी सिकुड़न आती है तो आप तीन बनाएं, नहीं तो आप चार भी बना सकते हैं जिस तरह से हमने ये लाइन बनाई है। तो यहाँ पर आप तीन बनाएं, तीन बनाएंगे तो सिकुड़न नहीं होगी। फिर चार चार छोड़ के ऊपर की लाइन हम ये बना लेंगे जिस तरह से हमने ये बनाया है, देखें इस तरह से आप ये बनाएंगे। तीन क्रोशे हमने लिया है यहाँ पर, हर एक तीन तीन चैन में पीला जो हमने बनाया है इसमें तीन तीन चैन लिया है। तो यहाँ पर हमने तीन तीन डबल क्रोशे वाइट का बनाया है, तीन इसमें और तीन इसमें। फिर इसके ऊपर हमने चार चार ही छोड़ के हमने चार चार बनाया है, बीच में एक चैन लिया है और यहाँ पर भी हमने एक चैन लिया है। ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, आपको बड़ा चाहिए तो आप बीच में यहाँ पर भी आप एक चैन ले लें। दोनों लाइन में हमने एक एक चैन लिया है, देखें ये लाइन में हमने नहीं लिया है, ये लाइन में हमने लिया है। अगर ऊपर आप जितना भी बड़ा बनाएंगे तो आप एक एक चैन दोनों जगह लेंगे, आप यहाँ भी चैन लेंगे और यहाँ भी चैन लेना है। तो इस तरह से ये डिजाइन रिपीट करेंगे तो मुड़ेगा भी नहीं आपका थाल पोस और ऐसे ही बराबर बनेगा। तो हमने देखे यहाँ पर तीन लाइन रिपीट की है डिजाइन, और यहाँ पर हम एक लाइन और रिपीट करेंगे, चार लाइन हमने यहाँ पर बनाई है। आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं रिपीट करके यही डिजाइन। ये वाली डिजाइन आपको बता देती हूँ मैं, देखिए फिर हमने जहाँ से शुरुआत किया है देखिए चार के बीच में हमने इस तरह से बनाया है, वही डिजाइन हमने दोहराई है। पांच फिर हमने लिया है, फिर इसे इस तरह से बांध दिया है, दो चैन उसमें एक और हमने बनाया है,
पांच फेरा, दो चैन। अगर आपका ज्यादा सिकुड़न आती है तो आप यहाँ पर चैन बढ़ा भी सकते हैं, तीन चैन यहाँ पर ले लें आप। यहाँ पर दो चैन लेंगे, ये दोनों पार्ट के बीच में हमने दो ही चैन लिया है। यहाँ पर आप तीन चैन लें, वो भी आगे के हिस्से में आप बढ़ाएंगे तब। यहाँ पर पहले और दूसरे लाइन में न लें, पहले दूसरे लाइन में हमने दो ही दो चैन लिया है बीच में, और हमने यहाँ पर तीन चैन लिया है। ये दो लाइन जो बढ़ाया हमने, यहाँ पर दोनों डिजाइन के बीच में हमने तीन चैन लिया और यहाँ पर तीन लिया है, यहाँ पर हमने दो लिया है, दोनों के बीच में दो और यहाँ पर तीन। तीन चैन, फिर इस तरह से इधर यहाँ पर दो चैन, यहाँ पर तीन चैन, फिर दूसरा डिजाइन। इस तरह से हमें ये डिजाइन बनाते जाएंगे। ये देखो हमने चार पार्ट इसलिए रिपीट डिजाइन बनाया है, मैंने दोहराया है एक चार बार, एक दो तीन चार। चौथे में मैंने इस तरह से यहाँ पर हमने चार चैन बढ़ाया है, एक चैन बढ़ाया है, चार चैन हमने लिया है, चार चैन ये देखिए हमने लिया है। यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, फिर यहाँ चार चैन लेंगे, पीले में जो हमने बनाया है इसमें सात फेरा हमने लिया है, देख सकते हैं चार चैन। इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, फिर चार चैन, सात फेरा, चार चैन। इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, फिर चार चैन। इस तरह से ये डिजाइन आप बना ले, देखें इस तरह से ये डिजाइन बने, देख सकते हैं। लास्ट लाइन में हमने इस तरह से बनाया है, देखिए इस लाइन में हमने ये लाइन इस तरह से बना लिया है। यहाँ पर हमने सफेद कलर का इस तरह से चैन बनानी है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ चैन हमने बनाई है। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे से इस तरह से जोड़ दिया है, आठ चैन बनानी है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे से इस तरह से जोड़ दिया, ये देखिए इस तरीके से। तो एक लाइन आप इस तरीके से बना ले,
यहाँ पर लाके इस तरह से जो सिंगल क्रोसी से और स्लिप चैन लेके जोड़ ले। यहाँ पर हम स्लिप चैन लेंगे, एक लरी और हम लेके जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए स्लिप चैन ले लेंगे, तीन चार। फिर यहाँ पर हमें आठ चैन का एक और लाइन लेके जानी है, इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जोड़ दे, एक लाइन और हम बनाएंगे। यहाँ पर हम नौ चैन लेंगे, एक चैन यहाँ पर हमें बढ़ानी है, नौ चैन हमने यहाँ पर लिया है, ये देखिए यहाँ पर लाके और सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया है, नौ चैन दूसरे लाइन में, पहले लाइन में हमने आठ लिया था, दूसरे लाइन में नौ लिया है। इस तरह से एक लाइन इस तरह से बना ले। ये डिजाइन बना के बता देती हूँ, तीसरे लाइन में हमने तीसरी लाइन में इस तरह से डिजाइन बनाई है, देखें एक चैन लेके हमने पांच फेरा हमने यहाँ पर लिया है और इस तरह से इसे बांध लेंगे, पांच चैन हमने लिया है और यहीं पर ला के हमें इस तरह से स्लिप चैन कर लेनी है। फिर यहाँ पर हमें दस चैन करना है, ये देखिए दूसरे पार्ट में इस तरह से जोड़ देना है सिंगल क्रोशे से। फिर यहाँ पर उसी तरह से हमें बनानी है, पांच चैन लेंगे, पांच फेरा यहाँ पर करना है, इस तरह से जोड़ के पांच चैन ले, इसे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे में ही इस तरह से स्लिप चैन ले लेंगे। यहाँ पर दस चैन, दूसरे पार्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देना। ये देखिए इस तरह से डिजाइन हमें झालर इसकी बनानी है। हमारे डिजाइन और वीडियो आपको कैसे लगे, हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।